अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। हम भी सोच रहे थे कि अपने पुष्पक विमान से उन्हीं को ले आएं, लेकिन हम पर सीट कम थी। हम आपको भरोसा दिलाते हैं बहुत जल्दी वही भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता को हम भी बुलाएंगे और हम भी आशीर्वाद लेंगे। लेकिन एक लोग हमारे योद्धा गोरखपुर जा रहे थे, अभी हम पर्चे कराएंगे आपसे। एक योद्धा, उस मंच पे भी हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं सब जिम्मेदार, तो याद है कि नहीं? याद है आपको, आपको हमको धोखा दिया था पुष्पक विमान वाला। हम भी देखे कि योद्धा गोरखपुर जा रहे थे, हमने कहा क्या करोगे गोरखपुर जाकर के, चलो फैजाबाद चलो। पहचाना इनको कि नहीं पहचाना? मिल रही है शक्ल की नहीं मिल रही है? और अब जो आपके काम नहीं होंगे, जो आपके काम रुके पड़े रहेंगे, इनकी मदद ले लेना, ये तुरंत सब काम करा देंगे। और जैसे ही ये पुष्पक विमान से उतरे, पुलिस के लोग हमारी सुरक्षा में नहीं भागे, इनकी सुरक्षा में भागे। हम इनसे निवेदन कर रहे हैं कि गोरखपुर ज्यादा मत आओ, फैजाबाद आते रहना थोड़ा बहुत। अब तो हिसाब किताब बराबर हो गया बाबा मुख्यमंत्री जी से, हमारे पुलिस के लोग नहीं पहचान पा रहे, थोड़ा आगे आओ पहचानिए। बताओ बीजेपी के लोग धोखा देते हैं कि नहीं धोखा देते हैं? छल करके सरकार बनाई थी कि नहीं बनाई थी? साजिश करते हैं बीजेपी के लोग कि नहीं करते हैं? बताओ, कोई वादा उनका पूरा हुआ हो तो बताओ हमें। याद है आपको, आपसे कहा कि हम घी के दिए जलाएंगे दिवाली पर। घी के दिए जलाने की बात थी कि नहीं थी? और फिर किस सरसों तेल से जला दिए दिए? जो धोखा देने वाले हैं उनको सजा दोगे कि नहीं दोगे आप? आज किसान दुखी है, हमारा ये नौजवान दुखी है, कोई नौकरी कोई रोजगार नहीं दिखाई दे रहा, इनका भविष्य अंधकार में डाल दिया। और जो खुशहाली का रास्ता था, विकास का रास्ता था, वो भी रोक दिया इन्होंने। विकास और खुशहाली का रास्ता रोका है। मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं, जब कभी समाजवादी सरकार बनी है, समाजवादियों ने जितना पैसा हो सकता है हम लोगों ने अयोध्या फैजाबाद को देने का काम किया है। लेकिन ये लोग, बीजेपी के लोग, साजिश कर करके झूठ बोलते रहे। हमारे साथी जानते होंगे, हम एक बहुत भव्य और सुंदर, और कम से कम हमारे जो श्रद्धालु आए, दूर दराज से साधु संत आए, गरीब आए, उनके लिए एक बहुत बढ़िया भजन स्थल बना रहे थे, जिससे वहां आए और भगवान राम के बारे में अगर कुछ उनके पास भजन है, अगर वो भजन सुनना चाहें, अगर कोई अच्छा सुनाना चाहे, तो उसके लिए हम भजन स्थल बना रहे थे। और ये छोटा मोटा भजन स्थल नहीं था, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भजन स्थल बन रहा था, वो भी इन्होंने रोक दिया, उसका भी काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। याद कीजिए वो परिक्रमा वाला मार्ग, परिक्रमा मार्ग पर लाखों लोग आते हैं श्रद्धालु, जिन्हें आस्था है धर्म पर,
वो परिक्रमा मार्ग पर आते हैं। बताओ, भारतीय जनता पार्टी ने परिक्रमा मार्ग भी नहीं बनाया और उस पर अगर पेड़ किसी ने लगाए तो समाजवादी लोगों ने धार्मिक पेड़, जो हमारे धार्मिक पेड़ उनको लगाने का काम किया। बिजली की बात कर रहे हैं कि हमने बिजली दे दी, इनकी बातों में मत आना। जो हेलीकॉप्टर से झूठे राम माता सीता ला सकते हैं वो कोई भी झूठ बोल सकते हैं। बिजली का काम अगर किसी ने किया है तो समाजवादी लोगों ने किया है। अंडरग्राउंड भी बिजली कर दी थी, अंडरग्राउंड इसलिए कर दी थी कम से कम सड़क हमारी चौड़ी दिखाई दे और अगर आंधी तूफान आए तो बिजली जाए नहीं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, 2 साल में कोई ज्यादा काम नहीं किया है। हम अपने अयोध्या फैजाबाद के लोगों को कहना चाहते हैं, आप समाजवादियों की मदद करिए, आनंद सेन की मदद करिए। अगर हमें वर्ल्ड क्लास सिटी भी बनाना पड़ा, दुनिया का बेहतरीन शहर भी बनाना पड़ा, तो समाजवादी लोग इसको बनाने का काम करेंगे। और जिन्हें अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी याद आए थे, डॉक्टर लोहिया जी याद आए थे, उन्हें कोई मतलब नहीं है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से, कोई मतलब नहीं है डॉक्टर लोहिया जी से। जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा राजनीति का, वो जानते होंगे आज़ादी के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर लोहिया जी मिलकर के काम करना चाहते थे। वो परिस्थितियाँ नहीं बनी, समय ने उन्हें मौका नहीं दिया, दोनों मिलकर के काम नहीं कर पाए। लेकिन उसी मकसद को आगे अगर किसी ने बढ़ाया था तो नेताजी ने और मान्यवर काशीराम ने उस सिलसिले को आगे बढ़ाने का काम किया था। और आज की परिस्थितियों में देश को बचाने के लिए, आज के राजनीतिक परिस्थितियों के लिए कि हमारा संविधान बच जाए, हमारे संविधान से मिले हुए अधिकार बच जाए, उसके लिए हमने कहा था कि अगर हमें 2 कदम भी पीछे चलना पड़ेगा तो हम बहुजन समाज पार्टी से समझौता करेंगे। और उसी का असर रहा कि आप गोरखपुर जीत गए, फूलपुर जीत गए, कैराना जीत गए और उत्तर प्रदेश के बाद यही गठबंधन देश को नई राजनीति देने जा रहा है, इसलिए हमने गठबंधन किया है। वही सपना जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा था, लोहिया जी ने देखा था, उसी सपने को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को कोई लेना देना नहीं है अम्बेडकर जी से, उन्हें कोई लेना देना लोहिया जी से नहीं है। जो हमारे जागरूक लोग होंगे, समझदार लोग होंगे, अगर 5 साल का उनका हिसाब किताब लिखें तो उन्होंने संविधान के खिलाफ काम किया है। और ये तो पहले प्रधानमंत्री हैं जो वादा करते हैं उसके खिलाफ काम करते हैं। इन्होंने वादा किया था कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़, लेकिन नोटबंदी कर करके और GST लागू कर करके हमारे नौजवानों को, करोड़ों अफसरों को, मौके को छीन लिया इन्होंने। ये पहली सरकार है जो वादा करती है उसके खिलाफ काम करती है। इन्होंने कहा कि नोटबंदी से काला धन और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। बताओ हमारे अयोध्या फैजाबाद के लोग और आसपास के लोग, इनकी नोटबंदी से कौन सा भ्रष्टाचार खत्म हो गया? कहीं भ्रष्टाचार खत्म हुआ हो? और अगर आकलन करें तो भ्रष्टाचार बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है। 102 108 एम्बुलेंस अच्छी दी, 100 नंबर पुलिस को दिया। बताओ पुलिस वाले 100 नंबर में बुराई आ गई कि नहीं आ गई बुराई? पता नहीं बाबा मुख्यमंत्री ने क्या किया, ये 100 नंबर वाली पुलिस भी खराब कर दी, खराब हो गई हमारी 100 नंबर भी। आपकी पार्टी की सरकार थी तो याद कीजिए वो समय जब परिणाम आते थे, कि आप 10वें के 12वें के परिणाम जब आते थे तो आपकी सरकार उन बच्चों को जो अच्छे पढ़ाई में थे उन्हें लैपटॉप देना शुरू कर दिया था। और हमारे साथी जानते होंगे जो समाजवादी सरकार में लैपटॉप बटे थे, वो आज भी जिस गांव में होंगे वो आज भी चल रहे होंगे। और जब ऑन करते होगे, जब खोलते होगे तो उसमें नेताजी और हम ही दिखाई देते होंगे, दूसरा कोई नहीं दिखाई देता है। वादा तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने भी किया था, लेकिन लैपटॉप नहीं बांटा।
वो इसलिए नहीं बांटा क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।